अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल सैवानी और इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ फेसबुक लाइव पर। और अभी जब मैं फेसबुक लाइव पर आने की तैयारी कर रहा था तो उसी वक्त मैसेंजर पर मेरे एक दोस्त ने एक मैसेज भेजा और वो मैसेज ये था जो हज़रत अली का एक कॉल है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब एक वक्त इंसानों पर ऐसा आएगा कि इसमें वो आदमी महफूज होगा जो अपने घर में रहेगा। तो गोया वो आज के हालात के हिसाब से जो इस वक्त हम देख रहे हैं पूरी दुनिया की सूरत हाल, और पूरी दुनिया जिस अफरा तफरी से और जिस खौफ से दो चार है, मौत का खौफ, कोरोना वायरस की वबा का खौफ, इसने पूरी दुनिया को हिला कर रखा हुआ है। वो बड़े बड़े 30 मार खां सुपर पावर जो पूरी दुनिया में खौफ पैदा करने के लिए किसी पर किसी को गार में धकेलने और पत्थर के ज़माने में ले जाने की बातें कर रहे थे, आज पैर खुदाबंदी के सामने लर्जा बरंदाम हैं और दुआया तकरीबात कर रहे हैं। तो ये जो खौफ है और ये जो सूरत हाल है, इसमें जो हम इस वक्त देख रहे हैं, ये सिर्फ पूरी दुनिया में जिस तेज़ी से ख़ास तौर पर मग़रबी ममालिक को जिस तेज़ी से इस सूरत हाल ने अपनी लपेट में लिया है और जिस तरह से इस्लामी ममालिक भी इसकी सद में आते जा रहे हैं, पाकिस्तान उनमें से एक है और पाकिस्तान में भी इस वबा ने अपनी जो है शक्ल दिखाना शुरू कर दी है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इसका शिकार होने की तरफ जा रहे हैं और जा रहे थे। मैं जा रहे थे इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बरवक्त ऐसे इकदाम हमारी हुकूमत ने कर लिए। अगरचे सूरत हाल ये है कि कौम अभी तक इस सूरत हाल को संजीदा लेने को तैयार नहीं है। अभी कुछ देर पहले व्हाट्सएप पर एक दोस्त ने वीडियो शेयर की जिसमें कराची गडाब के इलाके में एक फार्म हाउस में जो है वो गली में की तकरीब की जा रही थी और वहाँ पुलिस ने छापा मारा है और पुलिस ने छापा मार कर जब लोगों को वहाँ मतलब बासपुरस की तो पता चला कि वो एक गली में की तकरीब थी। और बहरहाल वो वीडियो इतनी मुख्तसर थी कि उसमें सिर्फ पुलिस एहलकार जो हैं वो उस फार्म हाउस के मैनेजर को बार बार पूछ रहे हैं, चौकीदार का पूछ रहे हैं और दूल्हा को तलाश करने की बात कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो ये है कि ये अभी तक जो लोग इससे बचे हुए हैं वो ये समझ रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा और हम अपनी वही सारी जो रंगरलियाँ हैं, जो सूरत हाल है, उसको उसी तरह से बरकरार रखेंगे। जबकि सूरत हाल ये है कि सिर्फ किसी एक आदमी का दूसरे आदमी से हाथ मिला लेना, ये भी इतना इस वक्त सूरत हाल में ख़राबी पैदा कर सकता है, इस वबा के फरोग में इजाफा कर सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में 100 200 400 आदमियों का एक जगह जमा होना और फिर उनमें किसको पता कि कौन जो है वो इस जो वायरस का जो है वो कैरियर है और किसके किसको उसका जो है इम्कान है या क्या सूरत हाल वहाँ दरपेश हो सकती है और किस तरह से ये जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि मैंने फेसबुक पर ये कहा था कि मैं होम टीवी लाइव के ज़रिए जो है कुछ हर्बल रेमेडीज़ डिस्कस करूँगा, और फिर आज मैंने दोबारा YouTube पर होम टीवी लाइव के थ्रू जो है कुछ अच्छी बातें बताने की भी कोशिश की। और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे ज़्यादातर दोस्त मुझे वहाँ ज्वाइन करते, लेकिन शायद कुछ दोस्तों के साथ कोई मजबूरी हो सकती है कि वो YouTube तक उनकी रसाई नहीं है या वो वहाँ तक जाना नहीं चाहते या पसंद करते हैं। लेकिन चूँकि हमारा मकसद यहाँ YouTube या कोई और मामला नहीं है,
हमारा मकसद यहाँ जो है कौम की जो सूरत हाल है, जो कौम इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, उसमें हम अपना क्या एक बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, हम क्या ऐसे इकदामात तजवीज़ कर सकते हैं, क्या ऐसी बातें बता सकते हैं कि जिनसे एक आगही हासिल हो और वो आगही हमारे लिए जो है वो हमें इस वबा से महफूज रखने का सबब बन सकती हो। तो मैंने कल भी ये बातें तस्करतन की थी और मैं आज भी वो बातें भी दोहराऊंगा और साथ साथ कुछ और बातें भी हम करेंगे। और फेसबुक पे चूँकि बहुत सारे दोस्त मुझे ज्वाइन भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि जो बातें वो मेरे साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी अपने हल्का अहबाब में इन बातों का तस्करा करें। सबसे पहली बात तो ये है कि सारी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर या अदारों पर डाल देना मुनासिब बात नहीं। जब कोई बड़ी उफ्ताद हो, जब कोई बड़ी परेशानी हो, तो मिन हसर कौम हम सबको उसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, पार्टिसिपेशन करना चाहिए, और तो जिस कदर जिस तरह से कर सकता है वो अपना हिस्सा उसमें डालकर एक दूसरे के लिए फलाह का काम अंजाम दे सकता है। कल मैंने ये बात की थी कि जो भी बातें इस वक्त फैल रही हैं, एक तो ये कि उनको सनसनीखेजी उनमें पैदा ना की जाए, बल्कि थोड़ा सा हौसला अफजाई के लिए और लोगों के जो के अंदर जो एक मोराल है, जो उनका एक यानी उनमें जो एक विल पावर है, उसको मज़ीद बूस्ट करने की ज़रूरत है, उसको मज़ीद जो है उसमें इजाफा करने की ज़रूरत है, हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। और हौसला अफजाई के लिए जो है वो अगर आप नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बयान करेंगे या ऐसी वीडियो, कल मैंने एक दोस्त को रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपने ग्रुप में एक वीडियो शेयर की और वो इस तरह की वीडियो थी कि मतलब अगर एक आदमी सड़क पर तड़प भी रहा है और आप उसकी वीडियो बनाकर और शेयर कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि जी कराची में ये सूरत हाल हो रही है, तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कौन को? तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि प्लीज़ आप इस वीडियो को डिलीट करें, और अगर आप इस वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे तो मैं इस ग्रुप से एग्ज़िट कर जाऊँगा। लेकिन वो नहायत ही बेहिस आदमी थे और उन्होंने मेरी इस रिक्वेस्ट को ना कोई अहमियत दी ना कोई तवज्जो दी, तो बिलाखर मजबूरन मुझे उनके ग्रुप से एग्ज़िट करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। इसलिए कि हम ऐसी चीज़ों को फ़रोग नहीं दे सकते जो इस वक्त कौम में अफरा तफरी पैदा कर सकती हैं या जो लोगों को उनके मोराल को डाउन करती हैं। हमें इस वक्त कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों का मोराल कैसे बुलंद कर सकते हैं, उन्हें कैसे आगही फराहम कर सकते हैं, उन्हें कैसे प्रिवेंशंस बता सकते हैं और उन्हें होम रेमेडीज़ क्या दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि वही बात फिर आ जाएगी कि हम अगर हुकूमत पर इन्हिसार कर लें और अगर हम चाहें कि हर गली में, हर मोहल्ले में और हर घर में और घर के हर कमरे में हुकूमती अहलकार आएंगे या कोई एनजीओस के लोग आएंगे और वो आकर जो है आपके घर को डिसइंफेक्ट करेंगे, यहाँ से जरासीम कुछ अद्वियात का स्प्रे करेंगे, तो घर घर ये बात मुमकिन नहीं है ऐसा सोचना भी। ये तो हो सकता है कि अगर हुकूमत के पास ऐसे वसाइल हों और उसके पास इतनी फोर्स हो कि वो आपके इलाकों में आकर जरासीम कुछ स्प्रे कर दे, डिसइंफेक्ट करने के कोई एहतमाम कर दे, लेकिन अगर हुकूमती अरकान या एनजीओज या वो लोग जो अपनी ज़िम्मेदारी महसूस कर रहे हैं समाजी हलकों में और अपनी जो प्राइवेट जो निजी तौर पर जो अदारे हैं वो, अगर वो अपनी समाजी ज़िम्मेदारियां पूरी करके आप तक कोई आगही, कोई इंफॉर्मेशन, कोई सजेशन, कोई केयर और क्योर के मामलात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम भी उनके साथ दस्ते ताउन बढ़ाएं और उनसे न सिर्फ ये कि ये ताउन करें
कि उनकी हौसला अफजाई करें, बल्कि जो हिदायत जो मशोरे वो दे रहे हैं उन पर अमल भी करें। मैंने ये चाहा था कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी टिप्स देने की कोशिश करूं कि जिनसे हमारे हम सारी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालने के बजाय खुद अपने ऊपर कुछ चीज़ें ले लें। तो सबसे पहला काम तो हम ये कर सकते हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पर आ भी रहा है, कि आप घर में ही सैनिटाइज़र बना सकते हैं या आप घर में ही ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिससे आप अपने बॉडी के इन्फेक्टेड एरियाज़ को खुद डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, उन्हें खुद जो है जरासीम से पाक कर सकते हैं। मसलन डिटोल एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको हम साल हर साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ आपके जो बारबर शॉप हैं उनमें भी शेव के दौरान इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम अपने घरों में जो है उसको इस्तेमाल करते हैं जरासीम कुछ लोशन के तौर पर। तो डिटोल को हम में अगर हम पानी मिक्स करके और उसको जो है एक सोल्यूशन के तौर पर बना लें, तो उस और उसको एक गन बॉटल स्प्रे में, जैसा कि स्प्रे बॉटल्स ये अवेलेबल भी होती हैं, वरना ये कि आप किसी भी 1.5 लीटर 2 लीटर वाली मिनरल वाटर की बोतल के ऊपर जो है वो एक गन स्प्रे जो है वो आप लगा कर और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मरतबा हर घंटे आधे घंटे के बाद अपने हाथों पर स्प्रे कर सकते हैं और उसको उसी तरह से जैसे आप हाथ धो रहे हैं उस तरह से धोकर उस से अपने आप को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। वही पानी जो जिससे आपने हाथ मले हैं उसी से आप अपने फेस को भी डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम घर में कर सकते हैं, इसके लिए हमें किसी बहुत ही कीमती सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है, किसी बहुत बड़े जो है ब्रांड की या प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हमारे यहाँ सदियों से इस्तेमाल हो रहा है लोबान एक ऐसी चीज़ है और हर्बल एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम बरसों से इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। जब कभी खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की एलर्जी या इन्फेक्शन डिजीज़ टाइप की किसी चीज़ कोई होती है घर में किसी फर्द को, तो वो जो है घर में लोबान की धुनी जो है लोबान को कोयलों पर रख कर जो है और उसकी धुनी दी जा सकती है, हर्मल जो है उसकी धुनी दी जा सकती है। उसमें सिर्फ मैं आपको एक इजाफा और करके दूंगा, वो ये कि आप ये धुनी जो है ये इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके घर में जो भी जरासीम या इन्फेक्शन है वो डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। उस पर आप थोड़ी सी कलौंजी के अगर दाने भी उसमें शामिल कर लें धुनी के वक्त, तो उससे आपका जो माहौल है वो और थोड़ा सा खुशगवार भी हो जाएगा। ये एक घरेलू नुस्खा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है और ना ही इसमें कोई बड़ी खतीर रकम इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हम अपने घर को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं उस सूरत हाल की तरफ जिससे आजकल हम दो चार हैं, और उसका जो मेन सबब बताया गया वो यही बताया गया कि नज़ला, खांसी और बुखार। और नज़ले की जो पहली अलामत है वो छींक है कि अगर छींक आती है तो छींक आने का भी जो अब लोगों को बताया जा रहा है तरीका कि जब छींक आए तो आप अपने हाथों से अपना नाक और फेस का हिस्सा ढांप लें ताकि जो उसमें से जो चीज़ें बाहर आती हैं छींक के साथ ज़र्रात लुआब टाइप की वो आपके एक हाथों की उस तक महदूद रहे। बाद में आप हाथ साबुन से धो लें 20 सेकंड के लिए जो एक बताया गया वो कर लें, या वो डिटोल का जो सॉप पानी है उसको इस्तेमाल करके उससे भी आप अपने आप को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सूरत हाल कुछ सीवियर होती है और आपको नज़ला या खांसी या कोई इस तरह की सीने में घुटन या गले में कोई ख़राश महसूस होती है, तो उस वक्त आप बहुत ही इमीडिएटली जो जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि एक जो बूटी है जड़ है मुलेठी जिसको हम कहते हैं, जिसे आमतौर पर लोग जो है वो गला साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उमूमन गुलकार हजरात
भी उसका इस्तेमाल करते हैं, और पान में भी वो इस्तेमाल की जाती है गले की खराश के हवाले से उसको, और काकड़ा सिंगी को अगर आप 10 ग्राम वो ले लें और 50 ग्राम काकड़ा सिंगी अगर आप ले लें, तो उन दोनों को एक पाउडर की शक्ल दे के उसको जो है क्रश करके उसका पाउडर बना के उसकी 2-3 चुटकी अगर आप एक बार 2-3 बार मुख्तलिफ औकात में लेंगे तो आपको इमीडिएट रिलीफ उससे मिल जाएगा। तो आपको उसके लिए ना किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है और ना ही किसी उस सूरत हाल में टेस्टों की लाइन में लगने की ज़रूरत है, बल्कि ये रेमेडी आप घर में बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अगर हम सब ये सोच लें कि एक छींक आने पर हम हॉस्पिटल जाएंगे, तो क्या ये मुमकिन है कि हॉस्पिटल में आपको इमीडिएट रिलीफ दे दिया जाएगा या इमीडिएट आपकी तरफ से आपको वो मिल जाएगी केयर? इसलिए कि वहाँ बेशुमार लोग आपसे पहले भी मौजूद होंगे। अगर सब यही सोच लें कि एक छींक आने पर या 2-4 खांसी आने पर उनको जो है हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए या हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो हॉस्पिटल में अपनी बारी का इंतज़ार भी करना पड़ेगा, या अगर आप किसी टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो टेस्ट के लिए भी तो आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको इमीडिएट तो ये रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आप अपना इमीडिएट रिलीफ तो घर में ले लें, ताकि अगर आप हो सकता है उस इमीडिएट रिलीफ के नतीजे में ही आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए, एक आपको बेहतरी मिल जाए और आपको हॉस्पिटल और लैब तक जाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। फिर उसके बाद दूसरा जो एक और होम रेमेडी है वो ये है कि आप अदरक का, हमारे यहाँ अदरक पर आजकल पूरा सारा पाकिस्तान, सारे फिजिशियंस, सारे बड़े हुक्मा अतबा और तमाम हर्बलिस्ट वो इस बात पर मुत्तफिक हुए हुए हैं कि आप दिन में 2-3-4 मरतबा जो है वो अदरक का कहवा इस्तेमाल करें और गर्म पानी इस्तेमाल करें, तो उसमें आप इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो यही अदरक जो है, अगर आप किसी तकलीफ में हैं इस वक्त या अगर आप खुदा ना खास्ता आ जाते हैं, तो अदरक को क्रश कर लें, अदरक का पानी निकाल लें, अदरक को का सत निकाल लें, और वो सत एक चमचे में लेकर उसी चमचे में साथ ही थोड़ा सा शहद मिला लें, और शहद को और अदरक को मिक्स करके वो आप अगर गले में आप ले लेंगे तो आपको इमीडिएटली उस सूरत हाल से रिलीफ मिल जाएगा जो सूरत हाल इन दिनों में, अगर खुदा ना खास्ता किसी को मौसमी हालात की वजह से भी हो जाए तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मैं नहीं कहता कि कोरोना वायरस वायरस नहीं है या इसके कोई संगीन नतीज नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर हमने इसका खौफ अपने ऊपर तारी कर लिया, अगर हमने अपने विल पावर को लूज़ कर लिया, तो फिर विल पावर के लूज़ होने की सूरत में तो कोई भी चीज़ जो है, जो ना होने वाली चीज़ें, एक चीज़ जिसे कहते हैं हम वहम, अगर किसी को ये वहम हो जाए कि मैं बीमार हूँ, तो बहुत मशहूर कहावत है कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। तो अगर वहम तारी कर लेंगे हम खुद पर, तो फिर हम सबसे पहले जो है अपना विल पावर लूज़ करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप और हम इस कोरोना वायरस की जो शिद्दत की खबरें सुनते हैं उससे अपना जो है विल पावर लूज़ करें। हमने इसको अगर डिफीट देना है तो उसमें हमारे विल पावर का बहुत बड़ा दखल होगा। फिर दूसरी बात यह है कि मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरा ताल्लुक भी मीडिया से है, लेकिन मैं अगर आपसे ये बात बड़ी शर्मिंदगी के साथ कह रहा हूँ कि हमारा मीडिया जो अपनी हेडलाइंस बना रहा है, वो हेडलाइंस नेगेटिव प्रॉस्पेक्टस में बना रहा है। मुझे भी कुछ अरसा काम करने का मौका मिला है, हेडलाइंस लिखने का मौका भी मिला है, लेकिन जो
हम जिस तरह की हेडलाइंस दे रहे हैं उसका आगाज हम किस तरह से कर रहे हैं। उसका आगाज हम कर रहे हैं कि कोरोना के बाइस फला मुल्क में इतने अफराद जान की बाजी हार गए, इतने अफराद और उनकी तादाद इतनी हो गई। और मतलब अगर इस हेडलाइन का थोड़ा सा इसमें से सनसनी निकाल दी जाए और अगर इसको पॉजिटिव कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में वो हमारे मोराल को बुलंद करने में बड़ा मददगार साबित होगा। मसलन हमारी हेडलाइन ये भी तो हो सकती है कि कोरोना के जो 25,000 जो केस सामने आए उनमें से 5,000 अफराद सेहतियाब होकर अपने घरों को चले गए, लेकिन उन 25,000 में से उन 5 अफराद का जिक्र करते हैं जो मौत के मुंह में चले जाते हैं, लेकिन उन 5,000 का जिक्र नहीं करते जो सेहतियाब होकर अपने घरों को चले जाते हैं। तो अगर इसका प्रोस्पेक्टस चेंज कर दिया जाए हेडलाइन का, इसमें से वो सनसनी निकाल दी जाए और इसमें एक पॉजिटिविटी डाल दी जाए, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मेरा मुस्तकबिल, मेरी कौम का मुस्तकबिल, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल, मेरी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल इस खित्ते से वाबस्ता है, इस सरजमीन से वाबस्ता है। अगर मैं अपनी सरजमीन के लोगों में मायूसी बो रहा हूँ तो मेरे ख्याल में मैं अपनी आने वाली नस्लों के साथ एक ज्यादती और एक जुल्म कर रहा हूँ। सिर्फ रेटिंग बढ़ाने से रेटिंग बढ़ सकती है, लेकिन यह है कि आप एक नाकाबिल माफ़ी जुर्म भी कर रहे हैं साथ साथ, जिसमें आपको आने वाली नस्लें और तारीख माफ नहीं करेगी। तो आप अपनी सनसनी खेजी को ज़रा सा कम कर दें और थोड़ा सा पॉजिटिविटी को बढ़ा दें और वो अवेयरनेस के मैसेजेस भी दें कि जिनसे हम घर में बैठ कर रेमेडीज ले सकते हैं। एक और बात जिसको दुनिया भर में पहली तो बात यह है कि जितनी जड़ी बूटियां जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं या आगे करने जाऊंगा, ये सब वो चीजें हैं कि जिनको साइंटिफिक प्रोसेस से गुजारने के बाद ये एलोपैथी की दवाइयां बनती हैं। हर पत्ते में, हर फूल में, हर बूटे में, हर जड़ में, हर शाख में, ये जो हमारे इर्द गिर्द जो पौधे, जो दरख्त, जो फूल पत्ते, इन सब में इलाज मौजूद है। और इन सब में इलाज मौजूद है, लेकिन वही साइंस की तरक्की की बात आ जाती है तो साइंस ने उसको प्योरीफाई करके, उसको प्रोसेस करके उसमें से दवा बना ली है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जड़ी बूटियाँ एलोपैथी के ईजाद होने से पहले इन्हीं पत्तों से कोनेन निकाली गई थी, इन्हीं किन्नू और माल्टे और लीमू और मौसमी से जो है वो विटामिन सी निकाला गया है, इसी दूध से कैल्शियम निकाला गया है और ऐसी बेशुमार चीज़ें, गाजर से विटामिन ए निकाला गया है, विटामिन ई जो है वो चिकनाई से निकाला गया। तो मकसद कहने का ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी नेचुरोपैथी में मौजूद हैं। बात सिर्फ ये है कि हम नेचुरोपैथी की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन तैयार अगर नहीं भी हैं तो इस वक्त का तकाजा ये है कि हमें नेचुरोपैथी की तरफ जाना चाहिए, हमें होम रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए, हमें ऐसे मसाइल पैदा नहीं करने चाहिए जो हमारे प्रोफेशनल्स को, जो इस वक्त एक वार फुटिंग सिचुएशन पर हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, हम एक बहुत सीरियस कंडीशन के पेशेंट को छोड़कर अगर कोई डॉक्टर आपकी तरफ देखेगा, आप एक नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ अपनी दो छींक या अपने टेम्परेचर को लेकर अगर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो आप यकीनन उस सीरियस पेशेंट के साथ ज्यादती कर रहे हैं जिसको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। तो हमें अपनी रेमेडीज़ को फॉलो करना चाहिए। दालचीनी हमारे यहाँ एक ऐसी चीज़ है जो हमें रेमेडी देती है। मैं एक छोटा सा नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा
और वो आप तमाम दोस्त इन सारी कैफियत में जो इस वक्त जिनको कोरोना वायरस की जो है इब्तदाई अलामात बताई जाती हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर उसके नतीजे में कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है और मर्ज़ में शिद्दत आ रही है, हालत में शिद्दत आ रही है, ख़राबी आ रही है, तो फिर आपका हक है कि आप डॉक्टर तक जाएं, आप हॉस्पिटल तक जाएं। तो एक छोटा सा नुस्खा आपके साथ शेयर करता हूँ और वो ज़रा आप जो है वो देख लीजिए, लिख भी लीजिए। सौंठ, सौंठ जो है अदरक का, जो सूखी अदरक होती है उसको अगर हम पाउडर कर लें तो वो सौंठ पाउडर होता है, उसको आप 25 ग्राम ले लीजिए। और मुलेठी, जैसा कि मैंने अभी बताया था, मुलेठी भी एक जड़नुमा चीज़ होती है, उसको भी पाउडर करके 10 ग्राम, उसका 100 ग्राम पाउडर आप ले लीजिए। और 25 ग्राम हल्दी, हल्दी टर्मेरिक को हेल्थ की दुनिया में और इस सारे जो आपके हर्बल जो ट्रीटमेंट्स हैं उनमें कितना बड़ा मकाम हासिल है, और हमारे बावर्ची खाने में हल्दी का क्या मकाम है कि कोई सालन हल्दी के बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो 25 ग्राम हल्दी और कलौंजी 20 ग्राम और दालचीनी 10 ग्राम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सौंठ 25 ग्राम, मुलेठी 100 ग्राम, हल्दी 25 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें इनको एक पाउडर की शक्ल में आप ले लीजिए, पाउडर बना लीजिए और इनको एक कम्बाइन, इसका एक कॉम्बिनेशन बना लें सब चीज़ों को मिक्स करके, और उसकी फिर एक एक दो दो चुटकी जो है 2-3-4 मरतबा पूरे दिन में आप इस्तेमाल करें। उससे आपको खुद महसूस होगा कि आपकी तबीयत में एक बेहतरी आ रही है और आपको एक अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। इसलिए कि आप, जैसा कि आज कराची में भी बारिश हुई है, इसी तरह से मुल्क में बारिशों का मौसम भी चल गया है, तो बारिशों का मौसम होता है तो लामोहाला नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, ये एक नेचुरल सी चीज़ हो जाती है। तो इसका कोरोना से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो आम सूरत हाल में है। लेकिन चूंकि कोरोना का खौफ और मीडिया की तरफ से कोरोना 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 कोरोना, इसने अब एक आम नज़ला, खांसी और ज़ुकाम को भी जो है वो ख़तरनाक बना दिया है। तो उस ख़तरे को आप ख़तरे की हद तक ले जाने से पहले ये रेमेडी कर सकते हैं जो आपके साथ अभी मैंने डिस्कस की है। साथ साथ मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि गर्म पानी का इस्तेमाल और अदरक का कहवा, और अगर उसमें लीमू भी थोड़ा सा शामिल कर लिया जाए तो उससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ती है और आपका ये जो गले का पूरा सिस्टम है नीचे तक फेफड़ों तक, इसमें एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं और अच्छा इसका रिज़ल्ट आपको मिलता है। तो अदरक का कहवा फ़िलहाल अपने रूटीन का हिस्सा बना लें, उससे भी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। फिर डिसइंफेक्शन के हवाले से एक और बात जिसको बताना बहुत ज़रूरी है, और ये बिल्कुल ही होम रेमेडी है, मतलब अगर नीम को आप देखें तो नीम की क्या खसूसियात है, नीम के बारे में मतलब हुक्मा अथवा हर्बलिस्ट क्या उसकी वो बताते हैं खूबियाँ, तो नीम एक ऐसी ऐसा दरख्त है कि जिसका हर जो तने से लेके और उसके छाल, उसकी जड़, उसका जो शाख की जो सलाई होती है वो, उसके पत्ते, हर चीज़ बड़ी काम की होती है। और जब भी कभी जब भी कोई छूत की बीमारी आ जाती है, कभी आती थी जब, तो हमारे यहाँ घरों में ये होता था, अगर चेचक आ जाती थी या कोई इस तरह का और मसला होता था तो हमारे घरों में उमूमन आपने देखा होगा कि नीम के पत्ते जो है वो लाकर जो है दरवाजे पर टांग दिए जाते थे। तो नीम का जो पत्ता है या नीम जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इस वक्त अपने घरों में नीम के पत्ते जो है वो लाकर, मतलब पूरी पूरी जो है
उसकी शाख जो है वो अगर अपने घर में मुख्तलिफ कमरों में थोड़ी थोड़ी रख दें तो पूरा घर जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। और फिर उसकी एक और खूबी है कि जब तक वो ताज़ा पत्ते हैं तब तक भी वो आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और जिस वक्त वो सूख जाएं तो सूखने के बाद भी उनका फ़ायदा है, और सूखने के बाद उनका फ़ायदा ये है कि उन सूखे पत्तों को सबको एक जगह जमा करके और आप दहकते कोयलों पर वो पत्ते रख कर उससे अपने पूरे घर में धुनी दे सकते हैं, उससे भी आपको एक पूरे घर को डिसइंफेक्ट करने में मदद मिलेगी। और हमें ये वो काम है जो हम घर में बैठ के कर सकते हैं। तो हम लोगों पर और सैनिटाइजर्स पर और सुपर स्टोर्स पर मजमा लगाएं और उनको जाकर जो है ज़्यादा पैसे दें, और जब इन हालात में जबकि हर आदमी घर में है, और घर में है तो इस हवाले से भी ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने हज़रत अली के कौल से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था, जो मुझे अभी कुछ देर पहले ही मैसेंजर पर किसी दोस्त ने भेजा था। तो वही बात फिर मैं कहूँगा कि अब तो हमारे उलमाए कराम का भी इस सिलसिले पे मैं मुत्तफ़िका वो आ गया है कि ऐसी सूरत में जब वबा की कोई सूरत हो तो हम अपने आप को अपने घरों तक महदूद रखें और वहीं इबादत का एहतमाम करें, तो इसमें कोई मज़ाक़ नहीं है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने घर तक महदूद हैं और ख़ुदा ना खास्ता आप खुद कैरियर नहीं हैं, लेकिन अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको क्या पता कि आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पहले से कोई आदमी इन्फेक्टेड मौजूद है जो आप कैरी कर सकते हैं। तो ये हुकूमत का जो फैसला है, जो हुकूमत का ये इकदाम है, और इस इकदाम के नतायज भी सामने आने लगे हैं, बड़ी अच्छी खुशकुन खबरें भी आने लगी हैं, मीडिया तक भी आएंगी और मीडिया खुदा करेगी उनको हेडलाइंस के तौर पर लेकर आए तो बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर यही बताना है कि मॉर्टलिटी का रेट कहाँ तक पहुँच गया, दुनिया में क्या हो गया और कहाँ क्या हो गया, तो वो तो है, लेकिन अगर आप ये बताना शुरू कर दें कि जी इतने लोग जो हैं वो सेहतियाब हो गए, अभी कल की बात है कि जो ये सिंध ने सबसे पहले हुकूमत सिंध ने, और मैं इस वक्त हमारे वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को खराज तहसीन पेश किए बगैर भी नहीं रह सकता, गो कि उनका उस वक्त ये इकदाम बहुत से लोगों के लिए बहुत नापसंदीदा सा नज़र आ रहा था जब उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया, लेकिन वक्त ने साबित किया कि विजन जो है वो इस बात की परवाह नहीं करता कि उसे कितने लोग अच्छा समझते और कितने अच्छा नहीं समझते। उनके विजन ने एक फैसला किया, उनके पास एक इख्तियार था, उन्होंने लॉकडाउन का फैसला किया और उस लॉकडाउन के नतीजे में लोग अपने घरों तक महदूद हुए तो उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आना शुरू हुआ। और अल्लाह का शुक्र है कि कराची में कई लोग अपने घरों को, एग्जैक्ट नंबर मैं अब इस वक्त आपको नहीं दे सकता, लेकिन कल तक लोगों का जो रिपोर्टिंग सोशल मीडिया पे हो रही थी वो 10 लोगों के सेहतियाब होने की थी। फिर एक और रिपोर्ट आई कि सक्खर में जो तफ्तान से ज़ाहिरीन आए हुए थे और जिन्हें सक्खर में जो है क्वारंटाइन किया गया था, उनमें से चंद ख़ानदान मुकम्मल सेहतियाब होकर अपने घरों को रवाना हो गए हैं। तो अब अच्छी खबरें भी आने लगी हैं इस लॉकडाउन के नतीजे में, और अच्छी खबरें आएंगी क्योंकि हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स का जो एक दस्ता है, जो टीम है, जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम कर रही है और दिन रात काम कर रही है, वो सर तोड़ कोशिश कर रही है लोगों को बचाने के लिए, उनकी केयर और उनकी क्योर के लिए, और इसमें उनकी कोशिशें हैं लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला की
रहमतें और अल्लाह ताला की बरकतें भी शामिल हैं। इसलिए कि कल से ये पूरी कौम रोज़ाना रात को अपने अपने घरों से अजानें देकर अल्लाह की किब्रियाई का जिक्र कर रही है। रात 10 बजे अजानें दी जा रही हैं और ये बताया जा रहा है, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार किया जा रहा है, तो उसकी रहमत जोश में आ गई है, उसकी रहमत मज़ीद जोश में आएगी। इस क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन के नतीजे में, इस लॉकडाउन के नतीजे में, ये हम लोग जिनके पास वक्त नहीं था नमाज पढ़ने के लिए, खुदा को याद करने के लिए, खुदा के आगे झुकने के लिए, इस क्वारंटाइन ने यह एहसास भी दिलाया लोगों को कि अब उसके पास, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। और उनके हालात ऐसे हो गए हैं, मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर वो खुदा की तरफ ना जाएं तो किस तरफ जाएं, अल्लाह की तरफ ना जाएं तो किस तरफ जाएं, किससे जाकर जो है वो दाद करें, फरियाद करें, किससे मुतालबा करें, किससे दरख्वास्त करें, किससे इल्तिजा करें, किससे इस्तदा करें। तो हर शख्स जो है वो फिजिकली जो है वो अपने घरों में नमाजों की तरफ रागिब हो गया। कुदरत ने उसके दिल में वो खौफ खुदा कायम कर दिया है जो हमारी इन दुनियावी लज्जतों ने और हमारी इन दुनियावी जो तकरीबात, समाजी तकरीबात, एक्टिविटीज़, तफरीहात, जो चीज़ें इनके नतीजे में ख़त्म हो गई थी वो वापस बहाल हो गई हैं। वो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ, अल्लाह ताला की किब्रियाई को कौन चैलेंज कर सकता है, कौन सा सुपर पावर दुनिया में है जो अल्लाह की किब्रियाई को चैलेंज करता है। और जो अल्लाह की किब्रियाई को चैलेंज करेगा, अल्लाह ताला एक नादीदा जरसूमे से, जिसको वायरस आप कह रहे हैं, उससे उनके होश खट्टे कर देता है, उनके दांत खट्टे कर देता है, जो अल्लाह की वैदानियत और उसकी किब्रियाई से इनकार करके खुद को सुपर पावर समझने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि हाथियों के लश्कर पर अबाबिलों का हमला कैसा था? क्या लोग भूल गए हैं उस वाक़े को कि हाथियों के लश्कर को अबाबिलों के कंकरों ने किस तरह से फना और बर्बाद किया था? यह अल्लाह ही का निज़ाम है कि वो अबाबिल को हाथियों पर गालिब कर देता है, और यह अल्लाह ही का वो निज़ाम है कि जो इंसानों के हाथों से बने हुए चीज़ को उनके लिए मौत का सामान बना देता है। ये तजर्बे जो हैं यही सुपर पावर लेबॉरेटरीज में हुए थे ना, इस कोरोना वायरस को जनरेट करने का तजर्बा जो है इन्हीं लेबॉरेटरीज ने किया था ना, जो ये सुपर पावर्स की लेबॉरेटरीज हैं, जो ये उन ताकतों की लेबॉरेटरीज हैं जो दुनिया को ये सबक देते हैं कि अगर हमारा कहा ना माना तो हम आपको पत्थर के दौर में ले जाएंगे। आज उनका पत्थर का दौर उन्हें खुद जो है ये याद दिला रहा है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो खुद जो खुद को खुदा समझ रहे थे, आज वो खुद दुआया तकरीबात कर रहे हैं और खुदा की वैदानियत की तरफ जा रहे हैं। आज उन मुल्कों में जहां हिजाब पर पाबंदी लगाने के खिलाफ जो है वो मुजाहरे हो रहे थे और हिजाब करने को जो है वो बुरा समझा जाता था, आज उसी फ्रांस में जहां हिजाब करने पे पाबंदी थी, आज हिजाब ना करने पर जो है जुर्माना लगाया जा रहा है। तो अल्लाह अपनी वैदानियत को, अपनी किब्रियाई को, अपने तकब्बुर को किस तरह से तस्लीम कराता है, यही आज दुनिया देख रही है। और हमें इस बात पर फख्र है, हम बहुत ही गुनाहगार सही, हम बहुत ही बेराह रो सही, लेकिन हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की उम्मत में है और उस रसूल ने मेराज की शब इस उम्मत के लिए सारी रात सारा दिन सारा वक्त जो है जो क्योंकि हम उसकी साथ का तायुन नहीं कर सकते, वो कितनी सदियों पे मुहित सफर था जो आज के अगर हम उसको टाइम और कैलेंडर और उससे मैच करें, लेकिन मैं फिर उसको यही कहूँगा कि वो जितना भी लंबा सफ़र था उसको भी अल्लाह ने रोक दिया था और उस सफ़र में अल्लाह ने अपने महबूब से कहा कि क्या चाहिए, तो उनके लब पर सिर्फ और सिर्फ उम्मत की बख्शिश, उम्मत की बख्शिश, उम्मत की बख्शिश थी। तो ये उम्मत की बख्शिश, इस उम्मत की बख्शिश थी जो हम जैसे गुनाहगार हैं जिसमें, तो हम बिल्कुल गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, बेरारो हैं, लेकिन इसके बावजूद 24 घंटे में कोई लम्हा ऐसा ज़रूर आता है कि हम अपने अल्लाह को अपने रसूल को याद कर लेते हैं, 5 वक्त हम नमाज पढ़ लेते हैं, हम अपनी किसी छोटी सी तकलीफ पर अगर कोई सुई चुभ जाए या पाँव में कोई कंकर चुभ जाए तो हमारे मुंह से बेसाख्ता या अल्लाह निकलता है। तो कोई भी मरहला हो, कोई लम्हा हो, हमें इस उम्मत में होने का ये शर्फ मिल जाता है कि हम अपने अल्लाह को याद कर लेते हैं, हम अपने आका को याद कर लेते हैं, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। वो नुक्ता नवाज है और वो नुक्तों पर भी बख्श देने की कुदरत भी रखता है और ताकत भी रखता है। हम गुनाहगार हैं लेकिन फिर यही कहेंगे कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं जिसे उसने सबसे ज़्यादा महबूब करार दिया और जिनके लिए उन्होंने कहा कि मैं भी दुरूद भेजता हूँ और तुम भी दुरूद भेजो। यानी जिस नबी की ये शान हो कि अल्लाह खुद उस पर दुरूद भेज रहा हो, उसकी सना कर रहा हो, अगर हम उसके उम्मती हैं तो इंशाल्लाह हमें इस बात का इत्मीनान और यकीन कर लेना चाहिए कि हमारी एहतियाती तदाबीरें ज़ाया नहीं होंगी, हमारे ये अमल जो दुनियावी एतबार से हमें एक एहतियात की तरफ ले जाने के लिए ही किए जा रहे हैं ये ज़ाया नहीं होंगे। हम इंशाल्लाह इस मुसीबत की घड़ी से बहुत जल्द निकल आएंगे, दुनिया की तमाम दूसरी ताकतों के मुकाबले में हम बहुत जल्द अपने रब को राज़ी करने में कामयाब हो जाएंगे। हम अपने रब को राज़ी करने के लिए दिन रात अब घरों में हैं तो हम बस उसका ज़िक्र करें, उसे अपनी किबरियाई पसंद है, उसे हमारे मुंह से अल्लाह अकबर कहलवाना पसंद है, उसे हमारे मुंह से अस्तग़फ़रुल्लाह कहलवाना पसंद है, उसे हमारे मुंह से सुभान अल्लाह कहलवाना पसंद है, उसे हमारे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह कहलवाना पसंद है, क्योंकि उसने कहा कि हर हाल में मेरा शुक्र अदा करो। यानी तुम किस हाल में हो और हो सकता है कि दूसरे तुमसे ज़्यादा बुरे हाल में हो, तो हम जिस हाल में हैं हम उसका शुक्र अदा करते हैं और हम अल्लाह ताला से चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन खताओं को, हमारी इन कोताहियों को, हमारे इन गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे लिए आसानियां फरमा दे, हमारी कौम के लिए आसानियां फरमा दे, हमारे मुल्क के लिए आसानियां फरमा दे, उन तमाम लोगों के लिए जो इस वबा में मुब्तला हैं उन्हें बख़ैर वाफियत सेहतियाबी अता फरमा दे, जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए बख्शिश का सामान फरमा दे और हमारे लिए वो सब कुछ हो जाए कि हम फिर एक जिंदा कौम की हैसियत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदो सना करें, अल्लाह का ज़िक्र करें और इस मुसीबत की घड़ी से वही हमें निकालेगा, वही
मर्ज के साथ इलाज और शिफा भेजने वाला है। तो मर्ज अगर आ गया है तो यकीनन शिफा उससे पहले मौजूद है। और एक बात, चलते चलते बहुत वक्त आपका ले लिया मैंने, आपसे बड़ी गुफ्तगू हो गई, आपका बड़ा वक्त ले लिया, लेकिन चलते चलते फिर एक बात आपसे कहूँगा कि हम जो पूरी दुनिया के लोग डॉक्टरों को अपना मसीहा और मलजा समझते हैं, यकीनन उन्हें अल्लाह ही ये इल्म अता करता है कि और वही उनके हाथों में शिफा देता है। उन्हीं के हाथों से बेशुमार लोग जो है वो शिफायाब होते हैं, लेकिन उन्हीं के ज़ेरे इलाज बहुत सारे लोग जो हैं वो जहाँ से जा भी चले भी जाते हैं। तो गोया शिफा डॉक्टर के हाथ में नहीं है, उस खालिक कायनात के हाथ में है, और वो जिसके हाथ में अता कर देता है उसके हाथों मिल जाती है। ऐसे बेशुमार वाकयात हमारी ज़िंदगी में आते हैं जब आप को ये महसूस होता है, आप देखते हैं कि आपका कोई अजीज़ अकारीब, कोई रिश्तेदार, भाई बहन, वालिद वालदा जब बीमार हो जाए और उसको हम किसी इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हैं, डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं और वो उसका इलाज करते हैं, और इलाज में जब नाकाम हो जाते हैं तो फिर हम सब ये कहते हैं क्या डॉक्टर ने जवाब दे दिया, और डॉक्टर ये कहते हैं कि जी अब कोई हमारे पास इसका चारा नहीं है, आप दुआ फरमाएं, बस अब इनके लिए दुआ कीजिए। तो गोया दुआ जो है वो दवा पर अफजल है, दवा से बड़ी है, दवा से भारी है। जब डॉक्टर जो दवा दे रहा होता है वो एक मरहले पर आकर आपसे ये कह रहा होता है कि अब दवा नहीं, इन्हें दुआ की ज़रूरत है, तो खुदारा दुआओं का दामन थाम लें। दवाएं जो कर रहे हैं वो भी अल्लाह की तरफ से ही शिफा का मूजब बनेंगी, जो दवा कर रहे हैं उनके हाथ में भी अल्लाह ही शिफा अता करेगा। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हमारे मुल्क के जितने डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सेज और जो भी अमला मरीजों की केयर के लिए, मरीजों के क्योर के लिए, मरीजों की देखभाल के लिए, उनके अतराफ की सफाई सुथराई के लिए जो भी अमला मुतय्यन होता है, जो भी काम कर रहा होता है, वो सब दुआ भी साथ करते हैं। वो डॉक्टर जिसके पास एक मरीज को हम लेके जाते हैं, वो भी, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, जब मैं अपने बाईपास से गुजरा हूँ तो मुझे भी डॉक्टर्स ने यही कहा कि हम अपना काम करते हैं दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हाथ में वो शिफा अता करे कि जिसको हम ऑपरेशन टेबल तक लाए हैं ये सेहत याब होकर जिंदा सलामत अपने घर वापस जाए। तो वो डॉक्टर जो दवा कर रहा होता है, दुआ का दरवाज़ा उसके पास भी खुला हुआ होता है और वो उस दरवाज़े से अल्लाह की तरफ रुजू कर रहा होता है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने अजीज़ व अकारीब के लिए दुआ करें। और ये बात कि दुआ का दरवाज़ा सिर्फ मुसलमानों की हद तक महदूद नहीं है, इसलिए कि अगर ये सिर्फ मुसलमानों की हद तक महदूद होता तो हम रब्बुल मुस्लिमीन के की मखलूक होते, लेकिन हम ऐसा नहीं है, हम रब्बुल आलमीन की मखलूक हैं। गोया जितनी मखलूक है पूरी दुनिया में, मज़हब उसका जो भी हो, रंग उसका जो भी हो, नस्ल उसकी जो भी हो, वो सब के सब जो है वो उसी रब की मखलूक हैं। तो हमें उन सब के लिए जो मुसीबत में है उनके लिए दुआ करनी चाहिए, क्यों कि मेरे रब ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल मुस्लिमीन नहीं कहा, ना ही रहमतुल मुस्लिमीन बना के भेजा, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। तो तमाम जहानों के लिए, तमाम आलमीन के लिए रहमत जिस हस्ती को बनाया गया है
वो सब पर रहमत है, वो हर नस्ल पर, हर मज़हब पर, हर रंग व नस्ल पर, हर उस शख्स पर जो अल्लाह की मखलूक है, जो इब्ने आदम है, उसके लिए मेरे रसूल रहमत हैं और मैं उस रसूल का उम्मती हूँ, तो मैं भी उन सब के लिए दुआ गो हूँ, आप भी उन सब के लिए दुआ गो हों कि वो सब जो इस मर्ज में मुब्तला हैं शिफायाब हों, सेहतियाब हों, और जो इस मर्ज में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करे और उनके लिए अपनी जो खुसूसी इनायात हो सकती है वो उन पर अता फरमाए, और साथ साथ अपने लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए दुआ करें। हुकूमत के जो इकदामात हैं उनको हमें इस वक्त सपोर्ट भी करना चाहिए और उनको दूसरों तक कम्युनिकेट भी करना चाहिए, अपने अजीज़ों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने अहबाब तक, अपने मिलने जुलने वालों तक, सबको बताने की कोशिश करें कि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इस एपिडेमिक को रोकने के लिए, इस वबा को रोकने के लिए नहायत ज़रूरी है, और हुकूमत अपने मुल्क के अवाम की दुश्मन नहीं होती। तो इसलिए जो भी लोग इस मेरी वीडियो को भी देख रहे हैं या मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि कौमी यकजहती का तकाजा यह है कि हम हुकूमती इकदामात को बिना अनफॉलो करें, उन पर अमल दरामद हों, अपने आप को लॉकडाउन करें, अपने आप को थोड़ा सा एक दूसरे के साथ डिस्टेंस से रहें, और कोई इमीडिएट सूरत हाल हो तो उसमें जो इमीडिएट रेमेडीज़ मैंने डिस्कस की हैं वो करें, उसके बाद अगर सूरत हाल में कोई बहुत मुश्किल पेश आती है तो फिर उस सूरत में टेस्ट की तरफ भी जाएं और अपने जो इलाज है उसकी तरफ भी जाएं, लेकिन कोशिश करें कि आप अगर डिस्टेंस के साथ अपने आप को अपने घरों तक महदूद रखेंगे, अपने मोहल्ले में, गलियों में टोलियां बनाकर नहीं बैठेंगे, खेल तमाशे नहीं करेंगे, नौजवान दोस्तों से, बच्चों से मेरी गुजारिश है कि वो मेहरबानी करें, गलियों में क्रिकेट खेलने से बाज आएं, ना करें वो काम जो किसी और के लिए तकलीफ़ और फिर उनके अपने अजीज़ व अक़रबा के लिए भी तकलीफ़ का सबब बने। इसलिए कि इस वक्त हमारी तमाम कौमी जो फोर्सेस हैं वो आपकी और मेरी हिफाजत के लिए काम कर रही हैं। मैं अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करूंगा, मैं रेंजर्स को सलाम पेश करूंगा, मैं पुलिस फोर्स को, जिन्हें हम हमेशा बुरा भलाई कहते हैं, उनको भी सलाम पेश करूंगा कि वो इतनी एपिडेमिक सूरत हाल के बावजूद न सिर्फ ये कि अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, बल्कि आप लोगों को अगर वो घरों में रहने की ताकीद कर रहे हैं और आप से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, कहीं कहीं जब रिक्वेस्ट काम नहीं आती है तो ज़्यादती भी होती है, और ज़्यादती भी अगर हो रही है, गरचे नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर हो रही है तो उसके पीछे भी आपकी भलाई ही जो है कार फरमा है। तो लोगों को खुद सेल्फ डिटर्मिनेशन कर लेना चाहिए कि जो कुछ हुकूमत या सरकारी अहलकार कर रहे हैं वो हमारे और आपके मफाद में कर रहे हैं, और हमारा और आपका मफाद इसमें है कि हम अपने आप को अपने घरों तक महदूद रखें, अपने समाजी रابطوں को, अपने रिश्तेदारों से रابطوں को और दोस्तों की दावतों को, रिश्तेदारों की दावतों को फ़िलहाल मौकूफ़ कर दें। हम इस मुसीबत की घड़ी से, इस आजमाइश की घड़ी से, इस इम्तहान की घड़ी से इंशाल्लाह जल्द बाहर आ जाएंगे, और फिर वो बहारें आएंगी, और वो बहारें आएँ तो अपने रब का शुक्र करना ना भूलिएगा, इसलिए कि ये बहारें
उसी की रहमत से आएंगी, उसी की शफकत से आएंगी, उसी के फजलो करम से आएंगी, और वही हम सब का मालिक और पालनहार है और उसी के कब्ज़ाए कुदरत में हमारी जान है। तो हमें सबको एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार, अख़ुवत का मुजाहरा अब इस तरह करना है कि एक दूसरे का ख्याल दूर रहकर करें, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का ऐसा दौर है कि इसके लिए आप किसी को ख़त लिखकर 5 दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप समाजी राबतों के इस अहद में एक दूसरे के साथ फेसबुक से जुड़े हुए हैं, आप ट्विटर से जुड़े हुए हैं, आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, आप मैसेंजर से जुड़े हुए हैं, आप सेल फोन से जुड़े हुए हैं, तो रابطوں की तो कोई कमी नहीं है। अगर मुझे अपने भाई से बात करनी है तो वो अगर मुल्क के जिस शहर में भी रह रहा है मैं उससे बात कर सकता हूँ। अगर मेरे आपके किसी के घर में अगर कोई शख्स सेल्फ क्वारंटाइन हो गया, उसको कोई अलामत महसूस हो गई है, तो उससे भी रابطہ मुमकिन है। वो अपने कमरे से आपको फोन करके पूछ लेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या नहीं मैं करना मुझे करना नहीं चाहिए। वो आपसे एडवाइस भी ले लेगा, आपसे पूछ भी लेगा। तो हम कम्युनिकेशन को तो हम कायम रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ जो है हमारी ज़रूरत यह है कि हम इस वक्त जो है उन इकदामात को अपनाएं, उन इकदामात की तरफ जाएं जो हमारी सेहत आमा के लिए हुकूमती इदारे और लोग कर रहे हैं। और मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया है और इस वक्त रात के 10 बजने के करीब शायद होने वाले होंगे, मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैं जब आपसे लाइव हूँ तो मेरे मोबाइल पर जो है टाइम मुझे शो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि 10 बजे का वक्त होने वाला है और 10 बजे फिर जो है एक इज्तमाई जो घरों में अजानों का सिलसिला कायम हुआ है, तो मुझे भी इजाज़त दीजिए और अपना, अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अक़रबा का इस तरह से ख्याल रखिए कि उनसे एक फासले पर रहकर उनकी ज़िंदगी को महफूज कीजिए और अपनी ज़िंदगी को महफूज कीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी फेसबुक लाइव पर, और जिन दोस्तों ने मुझे देखा और मेरी बातें सुनी उनसे मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि वो ये बातें दूसरों तक पहुँचा दें ताकि हमें मिनहसुल कौम जो शऊर और आगही पूरी तरह से नहीं है वो हम तक पहुंच जाए और हम जो है वो सब एहतियाती तदाबीरें करें जिनकी इस वक्त ज़रूरत है। फिर मुलाकात होगी। अपने दोस्त इकबाल साहिबानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।